नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 का 35th मैच खेला जाएगा 2 नवंबर को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एडिलेड के एडिलेड ओवल में इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर में 1:30 बजे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस मुकाबले के लिए एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेडियम के T20 रिकॉर्ड्स क्या हैं। वहीं पर इस मुकाबले में दोनों कप्तान को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस मुकाबले में एडिलेड ओवल की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। इसके अलावा इस मुकाबले के लिए एडिलेड की वेदर रिपोर्ट क्या है। तो इस एक वीडियो में आपको ये सभी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए एडिलेड की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो जो वेदर फोरकास्ट निकल कर आई है इस मुकाबले के लिए, वो थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे बारिश फोरकास्ट की गई है। अगर हम टेम्परेचर्स की बात कर ले तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो मिनिमम टेम्परेचर है, यानी कि इवनिंग के टाइम जब ये मुकाबला होगा तब 10 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। दिन के टाइम की अगर बात की जाए तो दिन के टाइम पर जो क्लाउड कवर है वो 91% फोरकास्ट किया गया है, जबकि 1.5 घंटा बारिश भी फोरकास्ट की गई है और बारिश की संभावना 61% है। यानी कि दिन के टाइम पे आपको ज़्यादातर क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिलेंगी और थोड़े बहुत बारिश भी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर हम बात कर ले मैच ड्यूरेशन की, तो इवनिंग के टाइम पर जो क्लाउड कवर है वो घटकर 62% फोरकास्ट किया गया है, जबकि 1 घंटा बारिश यहाँ भी फोरकास्ट की गई है और जो बारिश की संभावना है वो 61% है। यानी कि इवनिंग के टाइम पर आपको थोड़े बहुत शार्स आते हुए नजर आ सकते हैं, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, वो भी थोड़ी देर के लिए, और ज्यादातर आपको पार्टली क्लाउडी कंडीशंस ही नजर आएंगी। तो ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की फोरकास्ट नहीं की गई है, थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में आपको ये मुकाबला बिना किसी ज़्यादा इंटरप्शन के हो फुली पूरा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के लिए एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के रिकॉर्ड्स की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 5 मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैचेस जीते हैं, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 182 रन का है, जबकि एवरेज सेकंड इनिंग्स का स्कोर 140 रन का रहा है। तो आप इन ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से ज्यादा आइडिया नहीं ले पाओगे कि इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज मिलता है या फिर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडिलेड ओवल की जो पिच है वो ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिचेस मानी जाती है बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा शानदार रहती हैं, इसी वजह से आपको एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के ऊपर नजर आ रहा है। जो लास्ट 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें से 2 मुकाबलों में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के ऊपर बना है, जबकि 1 मुकाबले में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 220 रन से भी ऊपर बनता हुआ नजर आया था, जो कि आपको यह साबित कर देता है कि इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करना कितना ज्यादा आसान साबित होता है। इसी वजह से आपको फर्स्ट इनिंग्स में काफी बड़े स्कोर बनते हुए नजर आते हैं इस मैदान पे। इस मैदान की जो सामने की बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो छोटी हैं और बल्लेबाज इन्हीं छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज को टारगेट करते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े स्कोर्स बनाते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस मुकाबले में जो कप्तान टॉस जीतेगा वो इन बेहतरीन बैटिंग कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहेगा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकता है, क्योंकि दोस्तों ये भी देखा गया है कि सेकेंड इनिंग्स में स्कोर चेस करना इस पिच पर थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम 180 के आसपास या फिर इसके ऊपर स्कोर बना देती है तो वो स्कोर यहाँ पर डिफेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 से 160 के बीच रह जाता है तो उसके चेस होने की भी संभावना रहती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की, तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो ऑस्ट्रेलिया का है श्रीलंका के खिलाफ 233 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल श्रीलंका का है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 99 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो इंग्लैंड ने किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 158 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है श्रीलंका के खिलाफ 187 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की,
तो 150 से नीचे का स्कोर आपको एक बार देखने को मिला है, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने एक बार स्कोर किया है। वहीं पर 170 से 189 के बीच में भी टीम्स ने दो बार स्कोर बनाया है, जबकि 190 के ऊपर का स्कोर आपको एक बार देखने को मिला है। तो ये जो ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न है वो भी आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादातर जो स्कोर है वो 170 से 190 के बीच में बनते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर इस मुकाबले में इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी तो आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के आसपास या फिर इसके ऊपर भी बनता हुआ नजर आ सकता है, जबकि अगर बांग्लादेश की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो आपको फर्स्ट इनिंग्स स्कोर 160 के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस मैदान के ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के रिकॉर्ड्स की। तो इस मैदान पर अभी तक टोटल 62 T20 डोमेस्टिक मैचेस खेले गए हैं। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 37 मैचेस जीते हैं, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने 25 मैचेस जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 165 रन का है, हाईएस्ट स्कोर सिडनी थंडर की टीम का है 232 रन 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर जो लोएस्ट स्कोर है वो एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम का है 87 ऑल आउट। तो आप इन ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के स्टैट्स से भी क्लियरली देख सकते हो कि इस पिच पर जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसीलिए T20 डोमेस्टिक मैचेस में भी फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मुकाबले जीते हैं और यहां पर भी एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर आपको 165 रन का नजर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों T20 डोमेस्टिक मैचेस में भी यहां पे फर्स्ट इनिंग्स में काफी बड़े बड़े स्कोर आपको देखने को मिलते हैं। बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस डोमेस्टिक मैचेस में भी शानदार रहती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस मैदान के ओवरऑल T20 डोमेस्टिक मैचेस के स्कोरिंग पैटर्न की, तो 150 से नीचे का स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में 16 बार बनाए, जबकि 150 से 169 के बीच में टीम्स ने 17 बार स्कोर किया है। वहीं पर 170 से 189 के बीच में टीम्स ने 22 बार स्कोर बनाया है, जबकि 190 के ऊपर का स्कोर आपको टोटल 7 बार देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस मुकाबले में एडिलेड ओवल की पिच पर कौन से गेंदबाज ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगे, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो टोटल 38 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं जबकि 20 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 28 विकेट लिए हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 10 विकेट मिले, राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 4 विकेट लिए, राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 9 विकेट मिले और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 7 विकेट्स लिए हैं। तो ये जो ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट्स हैं वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि एडिलेड ओवल की पिच पर तेज गेंदबाजों का ही दबदबा हमें देखने को मिला है, इसलिए फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेट्स चटकाए हैं इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स। लेकिन दोस्तों एडिलेड ओवल की पिच पर स्पिनर्स के लिए भी मदद रहती है, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में। दूसरी पारी में जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं उनको इस पिच से काफी ज्यादा टर्न मिलता है और इसी वजह से उन्होंने इस मैदान पर काफी ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो यहां पे फिर से आपको तेज गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो शुरुआती ओवर्स होंगे दोनों इनिंग्स के वहां पे फास्ट बॉलर्स को काफी ज्यादा स्विंग मिलेगी, जिसकी वजह से यहां पे तेज गेंदबाज आपको ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो टीम सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी उस टीम के स्पिनर्स भी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। इसीलिए मेरा आपको ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रखने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-2 के कॉम्बिनेशन या फिर 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो, जहाँ पे आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स को भी रख सकते हो या फिर 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ भी जा सकते हो। 2 स्पिनर्स में दोस्तों आप उस टीम के स्पिनर्स को इंक्लूड करना जो टीम सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करेगी, और उसमें आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये रहा T20 वर्ल्ड कप 2022 के 35th मैच के लिए एडिलेड ओवल की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि पूरा पिच रिपोर्ट का एनालिसिस और सारे स्टैट्स रिकॉर्ड्स देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।